हर लोगों को फैज मिलता है, भूत प्रेत सब जलते हैं यहाँ। हाय गाइस नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये जो है सैयद अब्दुल लतीफ का दरगाह है, बहुत पुराना दरगाह है। गोविंदापुर महुआ डाबर में ये दरगाह है। तो मेला लगने वाला है, 30 तारीख को मेला लगेगा, रात का मेला है। तो ये दरगाह जो है सज रहा है और इसमें काम हो रहा है, लाइटिंग लग रही है। तो जो है आपको हम दरगाह के अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं और कुछ बातचीत भी कराते हैं, अंदर लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को और बाबा जी से बातचीत भी कराते हैं। अब्दुल लतीफ़, सैयद अब्दुल लतीफ़ का दरगाह है और ये जो है बाबा जी हैं। बाबा जी अपने बारे में परिचय देंगे, आप अपने बारे में परिचय दीजिए और इस साल कैसे तैयारी हो रही बताइए। साल तैयारी अच्छी हो रही, हर साल ही अच्छा होता है। सरकार का उर्स है, मेला भी है, दिवाली भी है, लोगों का इंतजार रहता है कि कब आएगा। और सरकार के यहाँ लोगों को फैज मिलता है, भूत प्रेत सब जलते हैं यहाँ। दिवाली में मुहर्रम में ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से हिसाब इंतज़ाम भी होता है। क्या क्या इस साल नई तैयारी क्या क्या इस साल है? नई तैयारी ये है कि ज़ायरीन का इंतज़ाम है, साफ सफाई भी अच्छा है। थोड़ा सैलाब के हिसाब से देर हो गया है साफ सफाई में, रहने सहने का इंतजाम है। कोई दूर से आता है तो इंतजाम है उसका, रहने के लिए इंतजाम है, सोने के लिए, खाने पीने का भी यहाँ इंतजाम, सब होटल वगैरह है, लंगर भी रहेगा। रात मेला चलेगा जी, एक रात एक दिन, एक रात दो रात पकड़ लो। बट से लोग आते हैं, लोग कानपुर तक के लोग आते हैं, इधर गोंडा के आते हैं, उतरौला के आते हैं, टांडा फैजाबाद से आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं। दोस्तों जो है अंदर की व्यवस्था देखते हैं, तो यहाँ लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ कोई किसी का एतराज नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं और सरकार के दरबार से सबको फैज मिलता है। सीसीटीवी भी लगा है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, सीसीटीवी भी लगा है, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं ये मनोरमा नदी है, इधर देखिए नदी सूख भी गई है और एकदम एक किनारे है, जस्ट किनारे एकदम सटा हुआ इधर किनारे नदी है और बगल जो है ये मजार है। अब्दुल लतीफ शाह है, शफीक शाह है, दौलत शाह है, इजहार शाह है। अच्छा, चार पांच लोग, चार पांच बुजुर्गों का मजार है। बताएंगे जो सात मजार हैं, पुरानी इश्तिहार तो दिखा के बता दीजिए किसका कौन सा था और मजा आइए। सबसे अच्छा तो दिखा के आप बता दीजिए। किसकी मजा ये मजार दादा सैयद अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, ये शफीक शाह दादा का है। ये दो उनका रिश्ता कैसा कैसा है? उनका रिश्ता, रिश्ते के बारे में इनकी मजारें दो है, यहाँ एक है, एक गोरखपुर है। 26 को वहाँ पर्दा किए हैं, 27 को यहाँ पर्दा किए हैं। दो जगह मजार जी, कैसे दो जगह होंगे इसकी बात? मतलब वहाँ गए थे, जाया आया करते थे तो वहाँ पर्दा हो गया, तो वहाँ के लोग यहाँ लाने नहीं दिए, तो आपने फरमाया कि थोड़ा मिट्टी यहाँ से ले जाओ, वो लोगों ने। तो दूसरे दिन ये खुद ही यहाँ बैठे हुए थे और दूसरे दिन पर्दा किए। ये इनकी करामत है, ये उनके चेलों में से हैं।
हाँ, और एक चेले बम्बई में है, भी मंडी में, उन्होंने अपनी शहादत की उंगलियां पेश कर दी। हाँ, तीन लोगों की अंदर है, चार लोग की अंदर है, चार तीन लोग की बाहर है, ये दादा लतीफ शाह, ये दौलत शाह है, इन्होंने मज़ार बनवाई थी, इनके चेले थे, ये मज़ार इन्होंने ही बनाया है, उनके चेला हैं, गुरु हैं, नहीं सगे वाले, ये भी उनकी खिदमत करते थे। हाँ, एक बाहर जो है वो भी चेले ही, इस तरह परिवार का नहीं, जी जी नहीं नहीं परिवार के नहीं, चेले ही जी। तो दोस्तों, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी ली, बहुत कम लोगों को पता था ये सब बातों के बारे में। तो यहाँ कमेटी के लोग यहाँ हैं, तो कुछ कमेटी के लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखने वाले तमाम ज़ायरीनों का खैर मकदम है कि आज भाई ने सवाल किया कि इस पेड़ में जो धागे बांधे जाते हैं ये क्या है। तो दरअसल धागे से जो लोगों की एक मन्नतें होती हैं कि हम इस धागे को बांधेंगे, फिर आने के बाद उससे खोलेंगे, हमारी मन्नतें जब पूरी होंगी तो धागा खोल करके चादर शिन्नी जो भी हमारे हो सकेगा हम पेश करेंगे। अब बात ये आती है क्या इसका बांधना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं भी बांधते हैं तो जिस दरबार में आप आए हैं, जब आप निकलने का इरादा करते हैं तभी से दादा अब्दुल लतीफ़ शाह अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बताएं, जो अब्दाल का अल्फाज है, जब हज़ार वली पैदा होता है तो उसमें एक अब्दाल पैदा होता है। तो इस सरज़मीन की और इस इलाके वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ एक अब्दाल मौजूद हैं जिन्हें सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बांधेंगे तभी आपकी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। हालांकि काफ़ी सालों से बुज़ुर्गों का यह तरीका रह चुका है कि वो कुछ ना कुछ निशानी बांधते चले आए, उसी तरीके को देखते हुए लोग कोई पन्नी लेकर के या कोई धागा लेकर के बांध देता है। आप इस पेड़ में भी देख सकते हैं इसी तरीके से बंधा हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मरीज़ों के बाल में होती हैं, गले में होती हैं, तावीज़ात वगैरह निकाल करके इसमें डाल देते हैं जब मरीज़ को शिफा मिल जाती है। उससे पहले अगर किसी ने तावीज़ या गंडा पहना है तो वो ला करके इसमें बांध देता है। बाकी इस साल दिवाली, ये परंपरा कितने दिन से शुरू हुई बांधने वाली? ये परंपरा अब इसको ना हम आप कह सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं। हाँ, इससे बहुत सालों से ये है कि पहले के लोगों का इल्म बड़ा कम होता था तो उनको जो है निशानी के तौर पर वो एक अपनी निशानी यहाँ दरगाह में छोड़ के जाते थे कि सरकार हम ये चीज़ करके जा रहे हैं, ये पूरा हमारा मन्नत पूरी होगी तो हम इसको खोलेंगे फिर मन्नत अपनी उतारेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरे को देखते हुए धागा वगैरह बांधना शुरू कर दिया, वरना धागे की भी ज़रूरत नहीं। और बताएं आपको कि दिवाली जो हिंदू भाइयों का त्यौहार है, धनतेरस छोटी दिवाली पर यहाँ दादा अब्दुल लतीफ़ शाह के यहाँ काफ़ी ज़माने से मेला लगता चलाया, इसको भिलावा मेला भी कहते हैं, आम जबान में लोग भिलावा मेला भी कहते हैं। और बड़ी शान व शौकत के साथ हर धर्म के लोग मिल करके इसको मनाते हैं और बड़े ही हौसले के साथ लोगों का बड़ा इंतज़ार होता है कि जब मेला दिवाली का आएगा तो लोग बड़ी दूर दूर से, बताएं संत कबीर नगर हुआ या सिद्धार्थ नगर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, आपका फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर तक के लोग यहाँ पर आते हैं जिसकी जैसी मन्नतें पूरी होती हैं। फ़िलहाल में यहाँ बम्बई तक के लोग मौजूद हैं जो कंटिन्यू उनका घर भी वहीं पर है, वहाँ रहना सहना भी मुंबई में है और वो लोग भी अपनी मन्नतों को लेकर के आज कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं। जिनसे मेरी मुलाकात हुई लोग मुंबई के रहने वाले हैं। दादा अब्दुल लतीफ़ शाह का फैज़ आज ज़माने से लोग पा रहे हैं, वो चाहे आसेब वाले हों, चाहे दुख बीमारी वाले हों, उनका कोई केस चल रहा हो या कोई ऐसी बाधाएं बंदिशें हों जिसकी वजह से उनका बिजनेस डाउन हो रहा हो या और कोई तमन्नाएं हों, औलाद की तमन्नाएं लेकर के लोग आते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़माने से दादा अब्दुल लतीफ़ शाह का फैज सब पर जारी व सारी है और ये भीड़ अभी कम है। और दिवाली में बताया जाता है 15 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ में 2-4-10 लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, 10-20 हज़ार लोग नहीं होते हैं। बल्कि ये दादा अब्दुल लतीफ़ शाह का करम है जो जब से जब बाहयात थे तब भी और आज पर्दा कर गए तब भी लोगों को शिफायाब कर रहे हैं। भेला जो है कैसे तैयार? हाँ, भेले का जो मसला है ये
पुराने ज़माने के जो लोग हैं वही बता पाएंगे। उसमें बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं जिससे बताया जाता है तकरीबन 70 से 80 या 100 बीमारियों तक का उसका इलाज है। एक भेले के पीने से अगर एक चम्मच उसे पिया जाए, इतना कड़वा वो होता है कि अगर एक मरतबा पिया जाए तो उससे काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कौन लोग तैयार करते हैं इसको? बाहर के लोग आते हैं जिनका ताल्लुक जड़ी बूटियों से होता है, वो लोग खुद बना के लाते हैं और उसका एक टाइम होता है 11 बजे तक ही उसे पिलाया जाता है, उसके बाद नहीं पिलाया जाता। और जो है वो भेला जो है मतलब आपकी तरफ से ही दिया जाता है जिससे? भेला सरकार अब्दुल लतीफ़ शाह की मोहब्बत में लोग लेकर के आते हैं, काफ़ी लोगों की मन्नतें पूरी हुई तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर हम कोई नया तरीका इस्तेमाल करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो संस्था की तरफ से नहीं है, वो खुद लोगों की मन्नतें पूरी हुई तो वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरीका अपनाया कि भेला बनाया जाए। अब उसको कुछ लोग बताते हैं 10 दिन कम से कम लगता है उसको तैयार करने में। ये छोटी दिवाली को शाम को आते हैं, शाम धनतेरस को शाम में आ जाते हैं। अब की बार जो पड़ेगा वो आपकी 29 तारीख होगी, शाम में भेला पिलाने वाले आ जाएंगे और वो 31 की सुबह तक रहते हैं। भेला पिलाने वाले सबकी बार मुलाकात करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लोग कैसे तैयार करते हैं कितना दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो है पूरा मजाक की तैयारी हो रही है और इधर भी बन रहा है, नया बिल्डिंग भी बन रही है जो पुरानी बिल्डिंग थी, मस्जिद पुरानी मस्जिद नई बन रही है, पुरानी मस्जिद थी अब नई बन रही है। तो ये जो है आप देख सकते हैं तैयारी हो रही है, यहाँ पे लाइट खूब लगी है और जो है इधर भी आप देख सकते हैं पूरा पेंट पूरा कई दिनों से काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मेहनत से पेंटिंग का और लाइटिंग का काम चल रहा है जिससे लोगों को उजाला भी रहे, रात में भी दिन रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये तैयारी पूरी चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दो गेट है, ये गेट इधर है और ये गेट उधर है। तो ये ब्लू कलर का है, वो हरे कलर का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हमारा नाम मोहम्मद मोहियुद्दीन, ये मजार के मालिक का नाम है इब्राहिम मतवल्ली, दरगाह के इब्राहिम और दरगाह के मतवल्ली हैं, इब्राहिम नाम है। कब लगेगा मेला? ये मेला लगेगा बुधवार को रात में, मंगल बुध मंगल रात में, जुमेरात मतलब बीफे के दिन सुबह खत्म हो जाएगा दिवाली के दिन। तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं मेला देखने? आने वाले बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता और मतलब इधर इतने बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मजार पे, अपना सब कुछ लेके आते हैं और जो दुख दर्द लेके आते हैं दुख दर्द यहाँ रख के खुशहाली लेके जाते हैं। ये बाबा अब्दुल लतीफ शाह बाबा का दरबार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। ठीक है, यहाँ सब लोग ठीक होके जाते हैं, यहाँ से ठीक होके जाते हैं बिना पैसे के? बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई चीज नहीं लेना देना है। आए अपना सब कुछ करें, यहाँ कोई झाड़ फूक करने वाला नहीं है, लगातार आज भी इधर बाढ़ नहीं है, आप खुद देख रहे हैं चारों तरफ पानी। इस साल आसान हो गया सबको, मजेदार हो गया, सब चीज चल रहा है, पानी कम हो गया इस साल। ठीक, हमारी दुकान 12 साल पुरानी है, 12 साल पुरानी दुकान है। चलिए, दुकान है हमारा शाही बिरयानी की दुकान, 12 साल पुरानी। ठीक ठीक।